भारत द्वारा म्यांमार को INS सिंधुवीर सौंपने की घोषणा की गई, इस पर संबंधित एक क्वेश्चन देखेंगे। 15 अक्टूबर 2020 को भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से किस देश को किलो श्रेणी की पनडुब्बी INS सिंधुवीर सौंपने की घोषणा की गई? श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार, बांग्लादेश। तो हमारा ऑप्शन सी वाला करेक्ट है, म्यांमार को सौंपने की जो है घोषणा की गई। 15 अक्टूबर 2020 को भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा म्यांमार को किलो श्रेणी के सबमरीन INS सिंधुवीर को जो है सौंपने की घोषणा की गई। भारत द्वारा म्यांमार को INS सिंधुवीर देने का उद्देश्य दोनों देशों के मध्य सैन्य सहयोग को बढ़ावा तथा चीन के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से दी गई है। INS सिंधुवीर म्यांमार नौसेना की पहली पनडुब्बी होगी जिसका उपयोग प्रारंभ में नौसैनिक कर्मियों के लिए प्रशिक्षण और उन्मुखीकरण के लिए किया जाएगा। यह कदम सागर मिशन सागर, भारत का मिशन सागर जो है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन विजन का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य पड़ोसी देशों को सशक्त बनाना है। म्यांमार भारत के रणनीतिक पड़ोसियों में से एक है जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के साथ 1640 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। म्यांमार भारत के साथ एक लंबी दूरी की समुद्री सीमा भी साझा करता है। INS सिंधुवीर एक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है जिसे भारत द्वारा 1980 के दशक में सोवियत संघ से खरीदा गया था, यूएस जो है USSR यानी रूस से खरीदा गया था। हाल ही में विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा INS सिंधुवीर का आधुनिकीकरण किया गया है। हाल के दिनों में चीन का भारत के पड़ोसी देशों पर बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है। यह निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो मिशन सागर जो है भारत का जो सागर मिशन है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, इस मिशन के तहत जो है म्यांमार को INS सिंधुवीर जो है सौंपी गई है जिससे उनके सैनिकों को प्रशिक्षण मिलेगा और उनके उन्मुखीकरण के लिए यह जो है लिया गया फैसला है भारत सरकार के द्वारा।